क्रिकेट के अंडरवर्ल्ड में कई बल्लेबाज ऐसे हैं जो गैंगस्टर की तरह मारते हैं, लेकिन जो मॉन्स्टर की तरह मारता है वो एंड्रू रसल है। माय गुडनेस, 2019 की वाइब्स। केकेआर, आई मीन यार, क्या कमाल का खिलाड़ी है, क्या कमाल का खिलाड़ी है। वन मैन शो, दी एंड्रू रसल, ऐसा प्लेयर जिसके चलते आप कह सकते हैं कि भाई इन्होंने आईपीएल को जिंदा रखा है। बिकॉज ऐसे खिलाड़ी जब खेलते हैं तब दुनिया में जितनी टीमें हैं, जितने प्लेयर्स हैं, वो कहीं नजर ही नहीं आते। मतलब इस मैच में आप देखो, 13 ओवर 5 गेंद, यानी 14 ओवर में केकेआर जो है 119 पर 6 थी। ऐसा लग रहा था केकेआर शायद 150 भी नहीं पहुंच पाएगी, 6 विकेट गिर चुके थे, टीम जो है हाशिए पर चली गई थी। लेकिन फिर पता लगा कि ये तूफान के पहले की शांति है, अब शुरू होने वाला है असली गैंगस्टर शो, वो शो जिसको देखकर लोग कान भर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, आंखों से खून निकल आएगा। दी आंद्रे रसल शो। 5 बॉल 2 रन, 20 बॉल 50 रन, उसके बाद 25 बॉल 64 रन, चौके सिर्फ 3, छक्का 7। ऐसा लगा कि वो फिल्म एनिमल में जो अर्जुन वैली वाला सीन नहीं था जिसमें रणवीर कपूर जाता है और सबको मारना शुरू करता है, वो आंद्रे रसल थे और केकेआर का डगआउट पीछे से घर था अर्जुन वैली ने। हाँ, एग्जैक्टली वही कहानी थी। आंद्रे रसल ने ये बता दिया कि गौतम गंभीर का इफेक्ट और इस साल केकेआर का किस्मत जबरदस्त रहने वाली है। 2019 वो जो पीक था रसल का, मतलब आज आप कह सकते हैं कि आंद्रे रसल इज बैक, और ये अच्छा भी है बुरा भी है। वेस्ट इंडीज के लिए भी खेलेगा, पागल आदमी है, पागल आदमी है। एडन गार्डन जो है वो क्रेजी हो गया, सारे लोग जो थे वो शॉक थे, केकेआर जो था वो अलग लेवल पे चला गया था। आई मीन यार, फैबुलस फैबुलस नहीं, 119 for 6 एंड देन आप 200+ पहुंच जाते हो, आई मीन ये मैडनेस की इंतहा है। और सबसे बड़ी बात है कि केकेआर के पास रिंकू सिंह जैसा प्लेयर है, और ये 8वें नंबर का प्लेयर है। 8वें नंबर पर उतरने वाला खिलाड़ी अगर ऐसी मार मार रहा है तो वो टीम कितनी खतरनाक हो सकती है, ये आगे आने वाले समय में आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आंद्रे रसल बीते कुछ समय से T20 क्रिकेट में अलग लेवल पर चले गए, मतलब लगता है कि उनके अंदर का जो मॉन्स्टर है वो वापस जग गया। पिछले सीजन में 1 अर्धशतक वो नहीं लगा पा रहे थे, हर मैच में संघर्ष कर रहे थे, लेकिन इस बार आंद्रे रसल जो है वो तबाही मचाने के इरादे से आए हैं, और ये तबाही क्रिकेट में देखने को मिल रही है। 25 बॉल पे 64 आज मारे, और इस बीच में कई मारे हैं, 12 पे 43 उन्होंने हाल फिलहाल में मारा था कुछ दिन पहले, 14 पे 23, 29 पे 71, उसके पहले 16 पे 32, 13 पे 30, 17 पे 46, 10 पे 24, 17 पे 46, 25 पे 48। सो जिस तरह की बल्लेबाजी उनकी चल रही है वो फैबुलस है, और इस फैबुलस क्रिकेट का असर ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में आंद्रे रसल जो है केकेआर के लिए बहुत बड़े सेट होने वाले हैं। ये विकेट भी निकालते हैं, मॉन्स्टर भी हैं, पागलपन भी है, ये एक्चुअली मिड डेविल है। जो फिल्मों में दिखाते हैं ना कि वो जब आता है तो सारे गैंगस्टर हथियार डाल देते हैं, डर जाते हैं, ये वो प्लेयर है जिससे सारी टीम आने वाले समय में डरने वाली है, इस वर्जन के आंद्रे रसल दी मसल। आंद्रे रसल ने 2024 से 15 मैचेस में 474 रन बनाए हैं, 67 का एवरेज है, और स्ट्राइक रेट अनमैचेबल 226 का। आप छक्के 45 मारे हैं, चौके 26 मारे हैं, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है। और उनकी पारी का असर है कि जो केकेआर 15 ओवर में 123 रन पे 6 विकेट थी, उसने आखिरी के 5 ओवरों में 85 रन ठोक दिए, 85 रन इन लास्ट 5 ओवर्स, एंड दैट डिफाइंस की केकेआर का मैजिक जो है वो कितना है। शाहरुख खान से लेकर जितने लोग थे वो पागल हो रहे थे, पागल हो रहे थे जिसने देखा। 20 करोड़ वाले पैट कमिंस, जिनकी कप्तानी की तारीफ चल रही थी, क्या कैप्टन है यार, 15 ओवर में 123 पे 6 गिरा दिए, सारे बड़े बल्लेबाजों को आउट कर दिया, सबको परेशान कर दिया, बड़े बड़े बल्लेबाजों के विकेट निकाले थे, प्लानिंग एसआरएच की, फील्डिंग की बात चल रही थी, सब खामोश हो गए, सब खामोश हो गए, पूरा ग्राउंड जो है वो चुप हो गया, क्योंकि रसल की मैडनेस लाइव थी। भुवनेश्वर कुमार ने 2 ओवर में 7 रन दिए थे, और जब भुवनेश्वर कुमार के आखिरी के 2 ओवर आए तो उसमें उन्होंने 44 रन दिए, टोटल 50। आई मीन ये पागलपन की इंतहा जो है, भुवनेश्वर का करियर 2.0 जो शुरू होने वाला था वो यहां पर एक थाम दिया उन्होंने, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी थी। 5 ओवर में 85 रन, आई थिंक ये अपने आप में शानदार है। आने वाले समय में अगर रिंकू सिंह का इनको ऐसे ही साथ मिलेगा, ये एब्सोल्यूट मैडनेस पे जाने वाली टीम है, और ये बताएगी कि यार ये कहां तक ले जा सकते हैं। वैसे आंद्रे रसल आईपीएल में हमेशा से मॉन्स्टर थे, बीच में थोड़ा सा उनका फेड आया था, बट 97 मैचेस में 2500 के आसपास रन, 200 छक्के उन्होंने मार दिए, ये भी अपने आप में कमाल है, 206। और अगर आप सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ियों की बात करोगे तो आप रसल और बाकी कंपैरिजन करो। रसल ने 97 मैचेस में 200 छक्के मारे, रैना ने 200 मैच खेल के 203 मारे थे,
पोलार्ड जिन्हें हम एक और मॉन्स्टर कहते थे 171 मैचेस में 223 मारे थे, डेविड वार्नर 177 मैचेस हैं उसमें 228 थे, विराट कोहली ने 230 मैच खेले उसमें 235 छक्के थे, धोनी ने 218 मैचेस खेले उसमें 239 छक्के थे, डिविलियर्स जो पागलपन की इंतहा थे 170 मैचेस में 250 छक्के उनके हैं, रोहित शर्मा जिन्हें हम हिटमैन कहते हैं वो 238 मैच में 257, एक केवल क्रिस गेल हैं जो रसल को एक्चुअली में मॉन्स्टर वाली टक्कर देते हैं बिकॉज कोई और नहीं है, हालांकि वो भी उसी कैरेबियन से आते हैं, उसी तरह के मॉन्स्टर हैं और उसी तरह की बल्लेबाजी उन्होंने भी की है तबाही मचाने वाली। उन्होंने मारे 141 मैचेस में 357 छक्के, वो एक डिफरेंस क्रिएट करने वाले हैं, बट रसल इज अनमैचबल और एसआरएच के सामने उनके अंदर की आत्मा जो है वो अलग लेवल से आती है। आज 25 पे 65 मारा है, इससे पहले भी 28 पे 49, 25 पे 49, 19 पर 49, सो आई थिंक ये गौतम गंभीर का जो एरा है, इस एरा में केकेआर जो कहती है कोरबो लोड़बो जीतबो, आई थिंक इस साल वो दिखने वाला है, मैच जीते ना जीते बट ये जो शो था ये एब्सोल्यूट सिनेमा था, एब्सोल्यूट सिनेमा, वो जिसे आप देखकर एंजॉय करते हो, सीटियां मारते हो, मजे लेते हो, आई थिंक ये मैडनेस बहुत लंबे समय तक याद रहने वाली है, एंड दिस मैन आंद्रे रसल, रिस्पेक्ट मैन।